तारीख है आज, और इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। हाँ, 2 बजने वाले हैं। तो गुड आफ्टरनून सबको मेरी तरफ से, छोटी बहनों को प्यार, बड़ी बहनों को नमस्ते, और जो मेरे बराबर के हैं उनको राम राम। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं किचन में काम। मैं दोपहर के खाने के लिए आई हूँ बनाने के लिए, यानी मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल ली हैं। देखिए, इसमें से मैं सोच रही हूँ स्वाति को पहले मैं ना खीरा और एक या दो गाजर काट के दे देती हूँ, और उसके बाद बाकी की चीज़ों की कटिंग करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए मैं आज दलिया बना देती हूँ, तो उसके लिए बाकी की चीज़ें सारी, ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और साथ में ये क्या कहते हैं, आलू, गाजर, और मशरूम भी धो के रख ली है वहाँ पे सामने, तो वो सब डाल के मैं बना रही हूँ उसके लिए दलिया। और हम लोग खाएंगे वो मूली के परांठे, क्योंकि जो मूली है वो बची हुई थी। जी, कल मैंने बनाई थी दोपहर को बेसन वाली भिंडी, तो भिंडी और जो है दही के साथ खाई थी रोटी हमने। उसके बाद जो है हमने क्या किया था, खीरा पहले काट लेती मैं। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो थे ना 3:15 बजे घर से निकल गए थे, चले गए थे कल, और मैं हम आए कितने रात के 8:30 बजे। मैं और इस मेरे हस्बैंड गए थे दोनों। तो गए कहाँ थे वो बताती हूँ आपको। व्यूअर्स, 1.5 घंटा आराम करने के बाद आ गई, चाय का टाइम हो गया, मैं चाय बनाती हूँ और थोड़ा काम पे लग जाते हैं घर के। ये ना मैं इससे पापड़ भून रही बताती हूँ ना, मैं पापड़ ला रखे थे मैंने पहले, पंजाबी पापड़। ठीक है, ला के रखे हुए थे, फिर मतलब पैकेट तो खुला हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ, तवे पे बनाती हूँ। देखो तवे पे भी सही बन रहे हैं वैसे, ये देखो है ना। ऑयल में तल के बनाना ज़रूरी थोड़ी है कि ऑयल में तल के बनाया जाए। मैं तवे पे भून लेती हूँ, और इधर मैं चाय बना रही हूँ। चाय में मैंने काली मिर्च, अदरक और सौंफ डाल दिए, बस अभी इसमें चीनी भी डाल दी है, तो बस चाय पत्ते डालूँगी। मैंने ना बाहर ताजमहल टी रखी थी, पता नहीं उन्होंने कहाँ गायब कर दिया, मुझे समझ नहीं आती, मैंने इस्तेमाल ही गायब करते रहते हैं। ढूंढूंगी फिर ताजमहल टी डाल के ना, मैं एक डिब्बी में रख लूँगी, जब मेरा मन करे ताजमहल वाली चाय बनाया करूँगी, वो मुझका टेस्ट अलग ही आता है। तो पापड़ भून रही हूँ, और पापड़ के साथ आपको दिखाती हूँ मैं। दोपहर को मैंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी नहीं, दलिया बनाया था, इतना टेस्टी था, बस इतना सही बताया, बस साथी के लिए बनाया था मैंने, और पापा ने तो सिर्फ थोड़ा सा कटोरी में टेस्ट किया था, लास्ट में बचा इतना। कह रही मम्मी बड़ा स्वाद बनाया, मैंने चीज़ें काफ़ी डाली थी ना इसमें, मैं गाजर डाली थी, आलू डाला था, कई चीज़ें डाली थी। ठीक है, प्याज, टमाटर सब कुछ डाला था, और ये मेरी चटनी पड़ी अभी थोड़ी सी। ठीक है, और बस चाय बनाते हैं, पीते हैं बिस्किट के साथ। ब्रेड भी आ गई है घर में, वो ख़त्म हो गई थी, फिर पापा ले भी आए, उनका काम है, वो पता गए हुए हैं, उसके पापा जो हैं वो गए वहाँ पर, उनके भाई का जहाँ गीता का वो घर में रखा हुआ है ना, उनके भाई के घर में गीता का पाठ रखवाया हुआ है। एक अध्याय तो कल पढ़ लिया था, एक आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल हवन होगा। तो अभी वो अकेले ही चले गए, और अपना MRI भी करवा दिया उन्होंने आज, मैं अपना नहीं करा पाई, ऑटोमेटिक मैं नहीं गई, मैं खाना खुना बना रही थी, वो अकेले ही निकल गए। ये देखो, ये सही तरीका है, तवे पे ही भून लो, ऑयल का कोई नाम मात्र नहीं, और सही भून रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसकी गर्मी में ही हो जाएगा, इसकी गर्मी में ही भून जाना है ये, क्योंकि जलाना तो है नहीं है इसको, बस पलटा पलटी करनी पड़ेगी। साथी भी खुश हो जाएगी, वो कह रही सिर दर्द हो रहा है उसको ना, 1-2 दिन से बुखार हो रहा है, जब से इंजेक्शन लगवा के आई है ना, तो बुखार चढ़ता उतरता रहता, दवाई वो खाती नहीं है, और ऑफिस का काम वो करती रहती है, क्या करता। ये देखिए, चलो चाय बना लेती हूँ मैं भी, और चाय पी लेती हूँ। कि मैंने नया ये वाले छोटे छोटे दो निकाले हैं कप, वो पुराने, ये देखिए मेरे हस्बैंड आए थे ना, ये सारा दिन वही छोले खाते रहते हैं, दिन में 2-2, 3-3 में, मैं अभी तक एक टेस्ट नहीं करके देखा, सोचा मैं टेस्ट कर लूँ इससे पहले कि वो सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, नमकीन वगैरह जो पड़ा था वो तो हो गया ख़त्म, और इसलिए इस जो है ये देख। हाँ, तो मैं ये पापड़ खा के देखती हूँ कैसा है ये, मतलब ये बिना तेल के बना है तो सही लग रहा है कि नहीं, बेटी को दे आई हूँ, अच्छा लग रहा है। जब ब्रेड सेकते हैं ना जैसे, ऐसे इसको भी तवे पे सेक लो, बड़ा सही बनता है बिना उसके। चाय का मीठा कम होगा, मुझे पता ही है, मैं बहुत कम डालती हूँ ना, बहुत कम ही है, चल कोई नहीं, धीरे धीरे ना आदत हो जाती है इंसान को, अगर हम ज़्यादा मीठा पिए और फिर कम मिले तो दिक्कत होती है, पर रोज़ थोड़ा कम ही डालो तो सही रहता है। थोड़े से बिस्किट है मेरे दो, वो भी टूट गए बेचारे, तो आज इसके पापा तो चले गए, मैंने उनको बोला था आज मत जाओ, गए भी कितने बजे हैं वो, 3:45 बजे गए हैं, कल हम 3:15 गए थे, 4:15 पहुँचे थे घंटे में, अब वो भी ऑटो करके, और उसके बाद ये गए हैं 3:45, और ये पता नहीं कब पहुँचेंगे, 5:00 बजे पहुँचेंगे, जब तक ख़त्म भी हो जाएगा पाठ, गीता का पाठ। तो बस
कल जाना ही है वैसे भी सुबह, कल सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे उन्होंने कहा पहुँच जाओ, 9 बजे पहले 1 घंटा पाठ होगा, उसके बाद जो है फिर वो हवन करेंगे, तो कल सुबह जल्दी निकलना। पर मैं तो नहीं जाने वाली, मैं स्वाति को पापा को भेज दूँगी। ठीक है, अब मैं कर लेती हूँ काम किचन में। किचन में ना देखिए बर्तन लगाने हैं पहले तो, और उसके बाद भी काफ़ी काम है। मैंने वो अनार भी नहीं काटे, 2 दिन दिखाए थे ना आपको काटने लगी, पर मेरा मन बदल गया, मैंने फिर वापस रख दिए। अनार काटना ही झंझट लगता है, सोचता है कोई और काम कर लेते बाद में काट लेंगे, वो बाद फिर कभी आता ही नहीं है। तो चलो पहले चाय पी लेते हैं। हाँ मैं ये कहती कि स्वाति के ना कॉलेज से वो सर्टिफिकेट एक आया है, मतलब PDF में, कि जो पहले 50 बच्चे हैं ना जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब 4 CGP तक होता है उसमें, जिनके 3.75 तक CGP आई है, वो पहले 50 बच्चों को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, तो वो उसमें स्वाति का नंबर आया है 35वां, मतलब 50 में से 35वां नंबर है। उसके एक फ्रेंड है उसका 23 नंबर आया, तो मैंने कहा किसी का पहले फर्स्ट नंबर भी तो आया होगा। वो फर्स्ट ऊपर एक लड़की का आया, उसका आया 3.94। अब 94 से कम भी कितने होंगे, है 94 से लेके 3.75 के बीच में कितने सारे बच्चे होंगे, है ना, सबको मिला है। तो स्वाति गई थी 3.75 CGPA, उसको मिल गया 35वां। ठीक है, चलो मैं ना वो खुश हो रही है, मैं कहा संभाल के रखना इससे, कि इसको अगर वो कॉलेज वाले सर्टिफिकेट भेज देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको प्रिंट आउट निकाल के इसको लेमिनेट करा के रखना, ये आगे इसके काम आएगा, जब भी आगे लाइफ में कभी जॉब के लिए अप्लाई करेगी या कुछ भी हो तो काम आएगा ये। चलो पहले चाय पी ली जाए, उसके बाद मैं काम पे लग जाती हूँ, 1.5 घंटा आराम कर लिया है, अब लगते हैं काम पे। क्या कर रही हूँ मैं, दलिया ना भून के रख रही हूँ, अगर इसमें कीटाणु ना पड़ जाए, तो कीड़ियाँ वीड़ियाँ पड़ जाती हैं इसके अंदर। तो आज मैं दलिया बनाया था तो जो मेरे को दिखा था वो मैं कहा भून के ही रख देती हूँ। ठीक है, जब ठंडा होगा ना अभी अच्छे से पहले भूनूंगी, फिर जब ठंडा होगा इसको इसमें पहले भून के इसमें डाल दूँगी। ठीक है, और जब ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं इसको अपने डब्बे में डाल लूँगी। इन चीज़ों में ना जल्दी कीड़े वीड़े पड़ते हैं। सूजी को भी कल देखूँगी सूजी का क्या हाल है, उसको भी भून के रखूँगी कल, फिर रात के खाने की तैयारी करनी है। आजकल व्रत चल रहे हैं, दूसरा व्रत है, लोगों ने व्रत रखे हुए हैं नराते के, जिन लोगों ने व्रत रखे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, भगवान उनको सारी खुशियां दे। मैं तो रखती नहीं हूँ भाई, जो रखते हैं उनकी हिम्मत है। ये देखिए अच्छे से भून लूँगी मैं, और सौंधी सौंधी खुशबू आने लग गई है इसकी भूनने की। अच्छा अच्छे लाते लाते भून लेना और ठंडा करके डब्बे। ये देखिए सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है, ये है फुलियाँ, ये गोंद, ये मूँगफली। ठीक है, ये है हमारा चने, भुने हुए चने हैं, और ये वो है क्या कहते हैं इसका नाम ही मैं भूल गई, मखाना। ठीक है, इन सबको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया है, तो अब इसकी मैं बनाऊंगी आज नमकीन। बहुत दिन हो गए कब से नहीं बनाई है, इन सबको बारी बारी से बस भूनना है, भून भून के इकट्ठे करके फिर लास्ट में ये भूनना है। सबसे पहले हम क्या भूनेंगे, ये भून लेंगे, इसको भूनेंगे अलग अलग सबको भून लेंगे, इसको भी इसको तलना पड़ेगा, ये गोंद है, और ये लास्ट में ये डालेंगे, और उसके बाद सबको मिक्स करके फिर बनाएंगे नमकीन। ये मैं पहले भी कई बार बना चुकी हूँ और वीडियो भी डाल चुके हैं, इसलिए कि आज वीडियो नहीं बनाने वाली, जब पूरा बन जाएगा तभी दिखाऊंगी। हमारा नमकीन बन के तैयार है, सारी चीज़ें भून ली थी, और जो है मैंने गोंद को थोड़ा ऑयल में भुना है, और ये देखिए इसमें नमक, वाइट नमक, काला नमक और चाट मसाला डाला है बस। अब ये ना वो जो चने थे ना वो बिल्कुल सिले सिले लग रहे थे जैसे पापा खा रहे थे, अब ये बिल्कुल, और इसमें मैंने वो कॉर्नफ्लेक्स भी डाले हैं, दिख रहे होंगे ये देखिए कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो रेडी है सारा कुछ, इसको ठंडा होगा तो मैं इसको डिब्बे में डाल दूँगी, थोड़ा सा टेस्ट करके देख ले।